सो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, थोड़े हम बात करने वाले हैं कि अगर अपने फ़ोन पे ऐप से अपने बैंक अकाउंट को अगर आप लिंक कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है दोस्तों लिंक नहीं हो रहा है, दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, अनअवेलेबल टू प्रोसीड। सो दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने फ़ोन पे ऐप से अपने बैंक अकाउंट को आप लिंक कर रहे हैं, अगर दोस्तों आपका इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, और नीचे भी दोस्तों आपको यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपका इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों अपनी प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करेंगे, अपने प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स करेंगे, तो चलिए दोस्तों हम आपको ए टू जेड प्रोसेस लाइव करके बताते हैं, लाइव करके दिखाते हैं। सो दोस्तों, अगर आप फोन पे यूज करते हैं, अगर दोस्तों आपका यूनियन बैंक में, अगर दोस्तों आपका किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है, तो दोस्तों अगर अपने बैंक अकाउंट को जैसे आप लिंक करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाता है, सब कुछ अगर सही रहता है तो आपको जो बैंक अकाउंट है आपके फोन पे ऐप से लिंक हो जाता है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बट दोस्तों, अगर आपके बैंक में कोई दिक्कत होगा तो आपका जो बैंक अकाउंट है आपके फोन पे ऐप से लिंक नहीं होगा, दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम लिख करके आएगा। जैसे दोस्तों, अगर आपके फोन पे ऐप से आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं हो रहा है और यहाँ पे दोस्तों अनअवेलेबल टू प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे नीचे दोस्तों लिख रहा है योर मोबाइल नंबर ऑन फोन पे लिंक टू मल्टीपल कस्टमर आईडी एट द बैंक, मोर इंफॉर्मेशन प्लीज विजिट बैंक वेबसाइट ऑन कॉल यहाँ पे देन डायरेक्टली। मतलब दोस्तों कह रहा है कि अगर अपने फोन पे ऐप से अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर रहे हैं, अगर आपका इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है लिंक टू मल्टीपल कस्टमर आईडी, मतलब दोस्तों अगर आपके फोन पे ऐप से जो बैंक अकाउंट लिंक कर रहे हैं उससे दोस्तों मल्टीपल कस्टमर आईडी लिंक है, तो दोस्तों अपने प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे। मतलब दोस्तों आप जो बैंक अकाउंट लिंक कर रहे हैं अपने फोन पे ऐप से, मतलब दोस्तों उस बैंक से मल्टीपल कस्टमर आईडी लिंक है, मतलब दोस्तों अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो दोस्तों आपका एक कस्टमर आईडी होता है, बट दोस्तों आपके बैंक से मल्टीपल कस्टमर आईडी लिंक है, इसलिए दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है आपके फोन पे ऐप में लिंक नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशंस क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली अपने बैंक पे जाना है। दोस्तों जब अपने बैंक पे आप जाएंगे तो आपको अपने बैंक मैनेजर से आपको बोलना है कि जब हम अपने फोन पे ऐप से अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर रहे हैं तो यहां पे मल्टीपल कस्टमर आईडी वाला प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब मेरे इस बैंक से मल्टीपल यहां पे कस्टमर आईडी लिंक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब अपने बैंक मैनेजर से इतना बोल देंगे तो आपका जो बैंक मैनेजर है आप किस नंबर से एक कस्टमर आईडी लिंक कर देगा, उसके बाद में आपका जो प्रॉब्लम है वहीं से ठीक हो जाएगा। जब दोस्तों अपने फोन पे ऐप से अपने बैंक अकाउंट को फिर से आप लिंक करेंगे तो आपका यहां पे मल्टीपल कस्टमर आईडी, और यहां पे दोस्तों आपका इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगा, अनअवेलेबल टू प्रोसीड, और आपका जो बैंक अकाउंट है फोन पे ऐप में सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा, सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। अगर दोस्तों आप घर बैठे अपने प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो दोस्तों घर बैठे आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होगा, केवल दोस्तों आपको अपने बैंक पे ही जाना है, और आपको दोस्तों वहां पे बैंक वाले आपको कुछ फॉर्म भी फिलअप करने के लिए बोलेंगे, तो आपको फॉर्म को भी फिलअप करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे अपने बैंक पे आप जाएंगे तो अभी दोस्तों आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अन्यथा दोस्तों अगर घर बैठे सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पे मल्टीपल कस्टमर आईडी वाला आपका प्रॉब्लम घर बैठे सॉल्व नहीं होगा। सो दोस्तों अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको अपने बैंक पे जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।